हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स चल रही है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग विदाउट एनी डिले। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन पर ऑल दबा के ज़रूर जाइएगा। एंजल को सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए आज की रीडिंग्स को हम शुरू करेंगे। अपने पर्सन का नाम लिखते रहिए। ओके, उनके मन में अभी इस समय क्या चल रहा है। लेजीनेस, ओके, पॉलिटिक्स, यहां पे कार्ड आ गया है। पॉलिटिक्स के बाद सॉरो, टोटैलिटी, न्यू विजन, साइलेंस और यहाँ पे बॉटम ऑफ द ट्रैक आ गया है, ब्रेक थ्रू। आई होप ये कार्ड आपको दिख रहा होगा, देख लीजिए। ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। ऐसा लग रहा है इस वक्त आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों से घिरे हुए हैं, और ये जो लोग हैं वो इस प्रकार के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स, चाल, मतलब आपके पर्सन को कुछ करने से या स्टेप लेने से रोक रहे हैं। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा जेन्युइन हैं, दिल इनका साफ़ है, लेकिन इनके आसपास जो देख रहे हैं बेड़ियाँ बंधी हुई है ना, उससे अपने आप को ये आज़ाद करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें, लेकिन इसी चक्कर में इनसे बहुत सारी चीज़ जो है छूटती जा रही है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि इन लोगों से पीछे छुड़ाना कैसे है। जी हाँ, ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा अभी डिप्रेस्ड मोड में है। ऐसा लगता है बहुत कुछ वो अपनी लाइफ में चेंज करना चाहते हैं और अपने जो फैसले हैं वो खुद लेना चाहते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उनकी लाइफ में किसी ना किसी की दखलंदाजी ऐसी है कि उनको आगे बढ़ने से ये रोक रहे हैं। उनके पैर बहुत ज़्यादा कस के पकड़े गए हैं। देखिए, आपके पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा रियलाइज़ कर रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं कि उनको अभी फ़िक्स करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके एक्शन लेने से ही वो आगे की ओर बढ़ेंगी और पुराने जो पैटर्न है वो ख़त्म होंगे। एक्शन लेने से ही वो एक तरीके से चीज़ें जो हैं उनके फेवर में काम करेगी। लेकिन आपके पर्सन अभी क्या करें, आपके पर्सन के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको हमेशा मैनिपुलेट करते रहते हैं, जो उनको हमेशा ये यकीन दिलाते रहते हैं कि जो वो कर रहे हैं या जो वो कह रहे हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग वो चलेंगे तो उसमें उनकी भलाई है और वो उनके हितेशी हैं और वो उनके लिए अच्छा ही बोलते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन जो है आपके बहुत ज़्यादा साइलेंस रहते हैं, साइलेंटली रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, मतलब लाउड नहीं है बहुत ज़्यादा। उसका ना बहुत लोग बहुत फ़ायदा भी उठाते हैं। आपके पर्सन बेचारे चुपचाप, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता और ये साइलेंटली बैठे रहते हैं, अपना मुंह बंद करने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन रियलिटी में भी ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने कितने लोगों का दुख जो है दिल दुखाया है, और वो भी दूसरों के कहने पर जो उन्होंने फैसले लिए हैं उससे उनको कभी भी खुशी नहीं हुई, इनफैक्ट उनका नुकसान ही नुकसान हुआ है। यहाँ पे कार्ड है टोटैलिटी, न्यू विजन, ब्रेक थ्रू। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल में रहने के कारण, ऐसे लोगों के आसपास रहने के कारण आपके पर्सन को इस तरीके से भड़काया जाता है कि वो कोई भी काम करने से पहले बहुत बार सोचते हैं। उनको ओवर थिंकिंग की बीमारी लग गई है, उनको ऐसी लत लगा दी गई है कि उनको ऐसा फील होता है कि अब कोई भी चीज़ है ना, कोई भी फैसला है वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों से ही पूछना है, वरना मेरा तो कोई काम बन नहीं पाएगा। यहाँ पे कार्ड आ गया लेजीनेस, इसका मतलब ये है कोई भी काम इनको लगता है ना कि सही है, करना चाहिए, लेकिन इनके मन में ना फिर वही नेगेटिविटी आ जाती है, स्लगिशनेस आ जाती है, डाउट्स आ जाते हैं जिससे इनको लगता है कि नहीं, ये काम तो मेरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक बार पहले भी नहीं हुआ तो फिर दोबारा उसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ट्राई करने में कोई मतलब टाइम वेस्ट होगा, तो उसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में ये जो पर्सन है ना, ये जो पॉलिटिक्स वाले, इनकी जीत हो रही है कहीं ना कहीं। ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मतलब उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है और उनको हमेशा ऐसा फील कराया जा रहा है कि तुम तो हमारे बिना तो कुछ भी नहीं हो। ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना हमेशा हर फैसला लेने से पहले
इन लोगों से कंसल्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये ऊटपटांग आंसर्स देते हैं और आपके पर्सन को मानने के अलावा और कोई चारा है ही नहीं, क्योंकि उनको तो यही लगता है कि ये जो कर रहे हैं वो सही करें। लेकिन आपके पर्सन बहुत जल्दी ही इनके चंगुल से वापस आने वाले हैं, क्योंकि देख रही हूँ मैं यहाँ पर कार्ड आ गया ब्रेक थ्रू, जिसका मतलब ये है कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अगर मैंने अपने फैसले खुद नहीं लिए, अगर मैंने अपना व्यू और ओपिनियन खुद के लिए अपना स्टैंड नहीं रखा, तो बहुत जल्दी मेरे हाथों से चीज़ें ऐसे ही छूटती जाएंगी। क्योंकि आपके पर्सन अभी भी बहुत ज़्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, पता नहीं कि उनके मन में एक सैडनेस है, उनको लग नहीं रहा कि उनकी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो सही दिशा में जा रही है। ऐसा लग रहा है कि उनको कोई कंट्रोल कर रहा है और वो अपने फैसले खुद नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो चाहते हैं, जो चीज़ें वो अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं, वो खुद के अकॉर्डिंग ना करके दूसरों के अकॉर्डिंग करते हैं। तो बहुत ही जल्दी आपके पर्सन ने फैसला ले लिया है, क्योंकि उनके मन में देख लीजिए न्यू विजन एक आ गई है, क्योंकि वो बहुत टाइम तक दुखी भी रहे हैं इनके मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के कारण। तो आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि न्यू विजन से अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाया जाए। अभी हाल फिलहाल में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत करीब है एक न्यू जर्नी शुरू करने की, एक न्यू पर्सपेक्टिव उनमें आता हुआ नज़र आ रहा है। किस बारे में है ये, इस समय क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, मैच्योरिटी एंड कमिटमेंट। देखिए आपके पर्सन किस तरीके से कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं आपको, क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर उनको आपके साथ रहना है या आपको उनके साथ रहना है, तो आप दोनों के रिश्ते में एक चीज़ है जो है कमिटमेंट, वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में कमिटमेंट नहीं होगी, अगर वो आपके पर्सन जो है ऐसे ही कम बैक कर लेंगे आपकी लाइफ में, अगर वो बोलेंगे कि नहीं सिर्फ हमें बात करनी है या कैजुअली अपने रिश्ते को लेना है, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, मुझे भी साफ पता है। तो आपके पर्सन के मन में देखिए यही इससे पता चल रहा है कि चल तो ये रहा है कि जितनी उनके अंदर अवेकनिंग आई है, मैच्योरिटी आई है, आपको लेकर समझ आई है, वो चाहते तो यही हैं कि आपके पास आना, बात करना, आपको अपनी फीलिंग्स बताना, आपके लिए एक नया मतलब जो है ऑफ़र लेके आना, नया प्यार का प्याला लेके आना, जिसमें वो बता सके कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, जो भी पास्ट में हुआ उसका पश्चाताप करने के लिए वो रेडी है, और आपको अपनी लाइफ में दोबारा लाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। सारी मेहनत, सारी जितनी भी आप चीज़ें चाहते हैं, जो एफ़र्ट्स उनको दिखाने चाहिए थे पहले, वो चीज़ें उन्होंने आपके साथ नहीं की, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि उनके ना एक तरीके से हाथ बंधे हुए हैं, आपके साथ वो कमिटमेंट चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ वो शादी करके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लॉन्ग टर्म में आपके पर्सन आपके साथ कुछ सॉलिड देख रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि टाइम पास करके आपके पर्सन बस हैप्पी फील करना चाह रहे हैं, नहीं, ऐसा तो बहुत बार पहले भी हो चुका है कि आपके पर्सन ने डे वन से ऐसा सोचा है कि इस पर्सन को अपना बनाना ही है। क्योंकि आपका साथ पाकर जो आपकी मतलब साथ रहकर आपके पर्सन को फील होता है ना, आपसे दूर रहकर उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी लाइफ का एम क्या है, उनकी लाइफ जो है एमलेस हो गई है, उनकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं पता नहीं। तो आपके पर्सन ना इस बारे में सोच सोच के बहुत ज़्यादा, देखिए सौरव वाला कार्ड है, किस तरीके से वो परेशान है, किस तरीके से लाइफ से वो डिसअपॉइंटेड है, ऐसा लगता है उनकी लाइफ से ना एक मकसद छिन गया है, और ऐसा लगता है जो कोई भी इनके पास आता है सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए आता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो जेन्युइन हो, जो उनको सही एडवाइस दे। और उनके मन में कभी कोई बात आती है तो जो आसपास के लोग हैं वो अपनी नेगेटिविटी के कारण इनको चुप करा देते हैं, या फिर अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग ही उनसे फैसले लेने के लिए बोलते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी ब्रांड न्यू रीडिंग आ गई है, आपको जल्दी से जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करना है और वीडियो को देख लेना है, कोई भी प्लीज़ वो वीडियो मिस ना करे, क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स के ऊपर ही है, आई गेस नेक्स्ट एक्शन के ऊपर है। I trust you with all my life and hearts. देख लीजिए आपके अलावा ये किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते, वो जो ट्रस्ट है ना, वो जो बिलीव सिस्टम है इनका आज भी आपसे जुड़ा हुआ है कि आप इनके लिए बिल्कुल सच्चे हैं और आपका प्यार आज भी उनके लिए सच्चा ही है। You make me feel adored. जिस तरीके से आप उनको फील कराते हैं, स्पेशल फील कराते हैं, ऐसा लगता है कि उनकी भी कोई एग्जिस्टेंस है और आपकी लाइफ में उनकी भी कोई वैल्यू है, अपना वजूद ये खो चुके हैं आपके बिना, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी भी ये याद नहीं कर पा रहे हैं आपके बिना, आपके बिना बिल्कुल बेसहारे लाचार हो गए हैं। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन।
अब आपकी वैल्यू समझ आ रही है, आप कितने प्रीशियस हैं उनके लिए, कितने अनमोल हैं। आपका उनकी लाइफ से जाना है, इसका मतलब तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। देखिए कैसे बोल रहे हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता और मैंने ही तुम्हारी कदर नहीं की, जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। यू आर एबल टू फाइंड ब्यूटी इन स्मॉल थिंग्स एंड शो मी हाउ टू अप्रिशिएट इट। छोटी छोटी चीज़ों में प्यार ढूंढना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना और उनको हमेशा के लिए अप्रिशिएट करना, लाइफ का एक ऐसा पर्सपेक्टिव आपके साथ रह के सीखा जो अभी आज की लाइफ टाइम में, जो आज की जो लाइफ टाइम हो गई है बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाली है ना, सोशल मीडिया वाली, वहाँ ऐसा प्यार तो बहुत रेयरली देखने को मिलता है। और अगर आपको कोई ऐसा मिलता है तो प्लीज़ आप उसे खोइएगा मत। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। आपको देखना उनकी सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है, इसीलिए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी फ़ोटोज़ इन्होंने आज तक भी डिस्कार्ड नहीं की है और उनको देखकर आज भी महसूस करते हैं कि काश आप उनके पास होते। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप सोने से पहले भी आपकी फ़ोटो देख के सोते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए जब बोलते हैं ना कि कोई इंसान अगर किसी से सच्चा प्यार करता होगा तो फिर सोने से पहले जिसके बारे में सोचे और आँख उठने के बाद, आँख खुलने के बाद सबसे पहला जिसका ख्याल आए वो उससे बेतहाशा प्यार करता है, भले ही वो बोल ना पाए। कुछ ऐसा ही हाल आपके पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। क्या क्या रेजोनेट हुआ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें प्यार भरा है, तो इस वीडियो को प्यार देके जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो आपका इंतज़ार करती है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।